हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सब कैसे हो? तो आज मैं जा रही, मतलब हम जा रहे हैं लिपाक्षी बेंगलुरु से करीबन 2.5 घंटा लगता है। तो आज संडे का दिन है, तो हम लोग सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोग और हमारे भाई, मेरे भैया लोग, मेरे भैया के एक फ्रेंड आ रहे हैं पुणे से, तो उनको हम एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे। तो हम सब मिल के जा रहे हैं लिपाक्षी घूमने। घूमी घूमी शानवे का। तो अभी सुबह के 10:15 बज रहे हैं, तो हम अभी निकले, अभी जस्ट घर से स्टार्ट हुए, अभी लेआउट के अंदर ही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट हुए तो 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट होके जाएंगे। इससे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम भी काउंट कर रही हूँ, नहीं तो 2.5 घंटा लगता है बेंगलोर से। और लिपाक्षी में पहले गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मैं 2012 से बेंगलोर में हूँ, अभी 2022 हो गया, 10 साल हो गया। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को लिपाक्षी जाते हुए देखा, तब से मेरा मन है कि मुझे लिपाक्षी जाना है, पर कभी हो नहीं पाया प्लान, और हुआ भी तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इस बार फाइनली प्लान भी हुआ और एग्जीक्यूट भी हो रहा है। हाँ शानवी का बोलो, तुम्हें भी कुछ बोलना है, बोलो हेलो, सबको हेलो बोल दो। इसको निन्नी आ गया, ये जल्दी, इसको उठा दी हूँ मैं आज, क्योंकि उसको उठा के मैं खुद बहुत जल्दी उठी। उठ के मैंने इसका खाना बनाया, इसका खिचड़ी बनाया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग तो कुछ भी खा सकते, जो भी मिलेगा खा लेंगे, पर इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब पहले तो था कि इसके लिए सरेलेक ले जाती थी तो आसान था, खिला देती थी, पर अब वो राइस खाती है तो उसको सरेलेक से शायद, मुझे लगता है कि शायद इसका पेट नहीं भरेगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के खिचड़ी बना लिया, तो 2 डब्बे में ले लिया, 1 डब्बा इसके लिए, 1 डब्बा नीक के लिए। तो दोनों बच्चे का अगर खाना सॉर्टेड हो तो हम लोग का भी कोई टेंशन नहीं। लेट भी हम लंच करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं भी कभी भी कुछ खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, पर बच्चों का खाना तो टाइम पे होना चाहिए। थोड़ा ट्राई करते हो कि इसका खाना टाइम पे, और उस कुछ अच्छा सा दोपहर का अवॉइड ही करती हूँ। तो सिटी के ट्रैफिक से हम निकल चुके हैं, और अभी रोड अब देख सकते हैं कितना सुनसान, खाली खाली सा, इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम सिटी में भी हम लोग को बहुत ट्रैफिक मिला था, क्योंकि आज संडे है, जनरली संडे तो कम ट्रैफिक होना चाहिए, लेकिन हर रोज जैसा ट्रैफिक होता है बिल्कुल वैसा ही ट्रैफिक था आज भी। तो एनीवे हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, अभिषेक भैया को भी पिकअप कर लिया दूसरे गाड़ी में। तो अभी हम लिपाक्षी की तरफ जा रहे हैं, देखिए कितना ग्रीन ग्रीन दोनों साइड में, और खाली बिना ट्रैफिक के रोड ही है। सबसे अच्छा ये लग रहा है कि रोड में कोई ट्रैफिक नहीं है। हम यहाँ पे रुके चाय के लिए, और दो स्टॉल खरीद लिया, 70 का एक बांधनी प्रिंट, एक दिस इज लहरिया प्रिंट, दिस इज बांधनी। अच्छा ये मेरे को पता नहीं था, आई डोंट नो। और इधर चाय बन रहा है हमारा। हेलो, तो हम लोग का चाय पीना हो गया है। ये अभी वो मुनी आ गई हमारी गाड़ी में, नीक और शानवी का खेल खेल के जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ऑन द वे शायद लंच भी करेंगे, पर बेस्ट ये है कि ये दोनों साथ में जाएंगे अभी। ही निकु स्माइल, से हाय हाय। লিপাক্ষী একটা ইয়ে আছে যে তুমি দুপট্টা ইয়ে পিলারের নিচে দিকে পাস করালে তোমার যা। লাঞ্চ হো গিয়া, হমনে ইয়া পে কিয়া হ্যায় ইয়ে এপিটিডিসি কা, অন্ধ্রপ্রদেশ গভর্নমেন্ট কা জো হ্যায়। সো ইয়া পে হম লোগো নে লাঞ্চ কিয়া, লাঞ্চ পে কুছ নেই থা, সিরফ অপশনস নেই থে, সিরফ অন্ধ্রা মিল কা হি অপশন থা। তো হম লোগো নে অন্ধ্রা মিল হি, মাম্মা लोगों ने अंदरा मिली खाए सबने, और बच्चों के लिए तो खिचड़ी बना के लाए थे, तो बच्चों को खिचड़ी खिला दिए। और अभी बस थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तो ये सैकत दोनों बच्चों को लेकर घुमा रहा है। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे खुश हैं, पेट खुश तो बच्चे खुश। तो अभी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये हम पहुंच गए मंदिर के अंदर, कितना अच्छा सा है, अच्छा लग रहा है। और सिंस हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं, 2:30 तो बज रहा होगा, तो धूप भी उतना नहीं है, धूप है मतलब तेज नहीं है, उतना गर्मी वाला धूप नहीं है, टॉलरेबल। तो बस भीड़ काफ़ी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा और खाली होगा, क्योंकि मैंने लोगों के फोटोज़ देखे। हाँ लोग तो फोटोज भीड़ में नहीं खींचते होंगे इसीलिए।
तो बहुत खाली खाली सा दिखता था, अच्छा सा दिखता था, मुझे लगा वैसा ही होगा खाली खाली सा। तो फोटो सेशंस चालू है, मैंने भी एक दो फोटो अच्छे अच्छे खिंचवा लिए। ये देखिए कितना अच्छा है दिख रहा है। छाड़ो तो तेरे हाट नहीं देखी। फाइनल शानवी का भी शुरू कर दी दुकान, जगह ये चाहिए वो चाहिए। वो प्रथम बार लोई से दे दिला कि नहीं, फर्स्ट टाइम तेरी लाइफ में? अच्छा आज का प्रथम बार जेटा लॉय पसंद है दिलाओ। आज फर्स्ट टाइम ये दुकान में आके खुद से अपने लिए कुछ पसंद कर रही है, तो हम मैंने कहा उसको कुछ दे देने के लिए। फर्स्ट टाइम भी याद रहेगा, बाकी तो पूरी वैसे अभी तो शुरू हुआ है, जब जाएगी तभी करेगी, पर फर्स्ट टाइम थोड़ा मेमोरेबल होता है। इसको भी बड़े होने पर मैं वीडियो दिखाऊंगी कि देखो फर्स्ट टाइम तुमने दुकान में जाके चूज किया था, आज क्या दाम दे क्यों ना। हम लोग का घूमना फिरना खत्म, टेम्पल से हम निकल गए, टेम्पल से निकल के तो हम आ गए वापस आ गए, अभी स्टार्ट हो गए घर के लिए। घर कितना 2 hours 37 minutes दिखा रहा है, तो बस 2.5 घंटे बीच में एक बार रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए। और शानवी का ये ऑटो खरीदी है, तो बस अभी ऑटो के साथ ही खेल रही है, तो मैं थोड़ा सॉर्टेड हूँ क्योंकि नहीं तो उसको एंटरटेन करना होता है पूरा जर्नी। तो अभी कुछ देर तो वो अपने ऑटो के साथ खेल लेगी, फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो थोड़ा सो जाए, तो अगर सो गई तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है। चलो अगर नहीं भी सोती है चलो किसी तरह एंटरटेन तो कर ही लूंगी। और अभी तो मेरे पास ये ऑटो भी है नया, जिससे वो खेल लेगी। शनविका ऑटो है, ऑटो सबने देख लिया तुम्हारा ऑटो अच्छा है, सबने कहा कि अच्छा है। ठीक है तो अभी 2.5 घंटे में बीच में रुकते हैं, तो फिर देखती हूँ कहाँ पे रुकते हैं चाय के लिए कहीं पे तो रुकेंगे फिर। तो अभी मैं 3 घंटा भी पकड़ूंगी तो 7:30 to 8 घर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे गांव का रोड भी कितना अच्छा है, कर्नाटका का ये एक अच्छी बात है कि लाइक गांव में भी कहीं पे भी हम लोग जाते हैं घूमने के लिए तो हमें रोड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, या कि रोड्स बहुत अच्छे हैं। ये तो एक छोटा सा गांव है कर्नाटका का, और हम लोगों ने मतलब अंदर वाला रोड लिया है, मेन रोड नहीं लिया, फिर भी रोड इतना अच्छा है, इतना अच्छा रोड, दोनों तरफ ग्रीनरी है, और ये इतना अच्छा गाना भी चल रहा है बंगाली गाना। तो साउंड दो भाई, ये वो लेक है, अच्छे से फोटो वीडियो में नहीं आ रहा है, जहां हम लास्ट टाइम आए थे किसी एक संडे में पिकनिक करने के लिए। ये वही है, इसका नाम तो कुछ सवर्णा कुछ तो है ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड भी है प्रोनाउंस करने में। इसको मोबाइल चाहिए, ये रोने लगी है, नो 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 मोबाइल। ये गाना और ये रोड मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है, शाम का टाइम है, थोड़ा अच्छा सा हवा चल रहा है बाहर, और ये सुनसान रोड, लाइक अच्छा रोड बिना ट्रैफिक के, और साथ में ये व्यू,
बस यही तो चाहिए वीकेंड में, और क्या चाहिए। तो बस हम अभी एयरपोर्ट रोड के एयरपोर्ट के पास जो टॉल है उसमें है, तो यहाँ से 55 मिनट्स में घर पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय व्लॉग एंड टाटा बाय बाय। शान्विका खेल रही है, पहले सो रही थी, अब उठी हुई है, अपने जो आज जो ऑटो खरीदा उसके साथ बैठ के खेल रही है।